सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही है। राजभर के सामने अब पुराने साथियों को सहज रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इससे पहले शशि प्रताप सिंह राजभर का साथ छोड़ दिया था। सोमवार को 2017 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभाषपा के प्रत्याशी रहे महेंद्र राजभर ने पार्टी के पदाधिकारियों और बागी नेताओं के साथ पार्टी से अलग हो गए। बता दें कि महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी माने जाते हैं, ऐसे में उनको बड़ा झटका लगा है। एक एक करके राजभर के संघर्ष के दिनों के साथी उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। राजभर के ये पुराने साथी वाराणसी और आजमगढ़ मंडल में उनकी राजनीति जमीन में सेंधमारी कर उन्हें कमजोर कर चुनौती खड़े कर सकते हैं। महेंद्र राजभर ने कहा कि सभी कार्यकर्ता इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपनी लड़ाई से भटक चुके हैं। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पद से और पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूं। हम समस्त कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। समस्त कार्यकर्ता इस बात को लेकर के इस्तीफा दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। आज कार्यकर्ता अपने आप को बड़ी गलानी महसूस कर रहा है, कार्यकर्ताओं की काफी उपेक्षा हुई है, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता आज पार्टी से सामूहिक, हम आज 25 से 30 लोगों की संख्या में इस्तीफा हम लोग पार्टी से दे रहे हैं। क्या भटक गए अपने मुद्दे से? जो नेताजी की लड़ाई थी, आज नेताजी की लड़ाई परिवार पर ही आकर के खड़ी हो गई है। जब भी कोई कार्यक्रम करना होता है तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके वो कार्यक्रम को सफल कराने की तैयारी करते हैं, और जब कार्यकर्ता के सम्मान की बात आती है, जब कार्यकर्ता को चाहे जिला पंचायत लड़ने की बात आती हो, चाहे विधानसभा लोकसभा लड़ने की बात आती हो, तो कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं जाता है, उनसे राय नहीं लिया जाता है। बस दो से तीन लोग निर्णय लेते हैं और उनके एक बड़े भाई हैं जिनके बारे में कई बार उन्होंने प्रेस मीडिया में जानकारी आप लोगों को दिया है। अगर तीन लोगों के फैसले के बाद अगर किसी से फैसला लेना होता है तो उनके एक बड़े भाई हैं, उनसे फैसला लेते हैं। हम कार्यकर्ता आज इनके लड़ाई से और दुखी होकर के पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इनके बड़े भाई हैं, कौन है वो? नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बड़े भाई हैं। वो कई बार प्रेस मीडिया में खबर उन्होंने दिया है, आप पीछे जा करके उनका देखेंगे, नाम आप पीछे जब जा करके देखेंगे तो नाम आपको मिल जाएगा। नाम बताइए उनका, कौन है वो? पीछे जब जाएंगे तो आपको पता मिलेगा कि उनके बड़े भाई कौन हैं। इशारा किधर है? मान लीजिए इस बात को, इस बात को मान लीजिए। क्या मान लें? आप जो कह रहे हैं मान लीजिए। आप अपने मुंह से बोलिए। वो अपने खुद अपने मुंह से कहे हैं कि हम बड़े भाई मानता हूँ, तो बड़े भाई से भी राय लेते हैं। अरे भाई, जैसे आपने कहा मुख्तार अंसारी, तो मुख्तार अंसारी से भी राय लेकर के अपनी पार्टी चलाते हैं। इस नाते हम कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हमेशा होता रहा है, इस नाते हम लोग उपेक्षित होकर के आज पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव से अलग होने के बाद वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त कर ओम प्रकाश राजभर अपने समाज का एक बड़ा नेता होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी से इस प्रकार के फूट से उनके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। पार्टी की स्थापना के साथ ही राजभर के साथ रहे वाराणसी के शशि प्रताप सिंह उपेक्षा से खिन होकर अब नई पार्टी बना ली है। उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी है। शशि प्रताप इस समय लगातार ओम प्रकाश राजभर प्रति के शब्दों से हमला कर रहे हैं। उन्हें मुख्तार अंसारी का करीबी होने का आरोप लगाते हुए घेरा जा रहा है। शशि प्रताप की सक्रियता देख सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाकर साथ चलने की बात कही थी। वो वाराणसी और आसपास के जिलों में राजभर के पुराने लोगों को अपने साथ गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। शशि प्रताप की पीठ पर समाजवादी पार्टी मुखिया द्वारा हाथ रखने के अपने संकेत हैं। सुभाषपा में अंदर खाने चर्चा है, सपा ही सुभाषपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और ऐसे नेताओं को हवा दी जा रही है जो राजभर से किसी न किसी कारण से खिन बताए जाते हैं। इन तमाम घटनाक्रमों पर सुभाषपा के एक जिम्मेदार नेता का कहना है कि जो लोग जा रहे हैं वो लंबे समय से निष्क्रिय हैं। ये वह लोग हैं जो सिर्फ टिकट और सत्ता के लिए पार्टी में रहना चाहते थे। ऐसे नेताओं के जाने से पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी के बढ़ते जनाधार के कारण दूसरे दलों के तमाम नेता आए दिन पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इन सब आरोपों से बेपरवाह ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जो लोग नाराज हैं
उनसे मिल बैठकर बातचीत की जाएगी। वीडियो डेक्स amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।